हेलो नमस्ते, कैसे हैं सर? कैसे हैं सर? आप कैसे हैं? आप सेफ हैं सारे? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड लाइव। आपके ऐड करने से पहले मैंने आपकी अच्छी से इंट्रोडक्शन दी थी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस राइट नाउ, दिस मैन राइट हियर इज रफ्तार। एंड आई थिंक इवन दो आई कैन ट्राई टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्सन, बट दिस मैन डज नॉट नीड हिज इंट्रोडक्शन बिकॉज ही हैज रिटन हिज ओन his journey, his hustle, his hard work, his stand, his opinion is what he is right now. So, main tareef itne nahi karna because we are doing this live right now. Honestly, huge, huge. All this time, बहुत शुक्रिया. All this time, एक ही चीज़ नहीं सीखी मैंने, ये तारीफ लेना अभी तक मेरे को आई नहीं है. It's like, and I think that also somewhere, Raftaar sir, ये भी एक reason है कि हम आपको इतना like करते हैं, because despite of all of the success that you have had, you still remain so brand. हाँ, मतलब this is natural for me यार. अगर मैं बताऊँ तो like I don't have a complicated reason. इतना technical तरीके से मैं बता नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी में ये सोच है, ऐसा नहीं है. This is what I feel naturally comfortable with. तो मतलब अपना यही है. अपना यही है वो. I want to begin this conversation by asking you, जो मैं हमेशा सबको पूछता हूँ, पिछले कुछ दिनों से we have had conversation with बादशाह भाई, we have had conversation with Mr. मुकेश छाबड़ा. मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि in this time of lockdown, जहाँ पर पूरी कंट्री कर्फ्यू में है, how are you feeling? What is your mental state right now? What is your, like, where are you in life right now while you are at home? Well, I'll tell you something कि देखो, पहला तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं उस फील्ड से हूँ जो एंटरटेनमेंट फील्ड है, वो डाई नहीं करेगी. दिस विल ओनली ग्रो इन दिस टाइम. सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस के थ्रू जो लोग थोड़ा ब्रेड कमाते हैं ना, जैसे कि लाइव शोज जो करते हैं, उनको बहुत इफेक्ट हो रहा है. पीपल हु हैव बीन एबल टू डैबल इन बिटवीन मल्टीपल थिंग्स इन टू द एंटरटेनमेंट बिजनेस, मतलब एक ही इसके अंदर अलग अलग चीजें कर पा रहे हैं, जो टीवी करते हैं, जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो किसी किसी तरीके से ठीक है, पर ना इफेक्ट बहुत लोगों को हो रहा है. माय ओनली फियर इज कि कहीं जाके ये लोगों की ब्रेड पे अटैक ना करे लेटर ऑन. क्योंकि है क्या, देखो हम लोग सेफ हैं, घरों के अंदर है, राशन लाके इकट्ठा कर सकते हैं, पर बट पीपल हु अर्न ऑन अ डेली वेज, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है. जो रोज के जो रोजगार पे रखते हैं ना, रिलाय करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. क्योंकि एक तो वो है नहीं, घर पे नहीं आ रहे, किसी के कोई घर पे काम पे नहीं बुला रहा, वो लेबर जॉब्स नहीं कर पा रही है, तो वो उससे इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ेगा. नॉट जस्ट इकोनॉमी यार, एक तो आप इंसानियत के तौर पर जब देखोगे ना किसी को, तो वो ही है. लीव एवरीथिंग, इकोनॉमी, खजाना, पैसा, ये कैन ऑल बी टेकन केयर बाद में, लेकिन इंसानियत के साथ की फैमिली. ऑफ कोर्स मैन, मतलब देखो, देयर आर पीपल, आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस जहां पे कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि लोग बाहर घूम रहे हैं, और कुछ लोग हेल्प कर रहे हैं बाहर जाके. तो मतलब अलग अलग लोग बाहर हैं, पर अलग अलग वजह से है. एंड द वे यू हैंडल योर सेल्फ इज वॉट मैटर्स. क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ऐसा लॉकडाउन कर दो कि कोई भी रोड पे ना आए, क्योंकि कोई भी नहीं आएगा तो किसी की मदद नहीं करेगा. किसी की मदद नहीं करी तो वैसे ही इफेक्ट होने वाला है. जितने लोग, मेरे ख्याल से जो लोग स्टेटिस्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं या न्यूज प्रॉपरली पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि जितने लोगों को ये कोरोना नहीं मार रहा है, उससे ज्यादा लोगों को भुखमरी मारती है रोज. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. Like you just said, while you were saying this answer, मेरे दिमाग में almost 1000 questions हैं for you. I'll not, of course, I cannot give you 1000 questions in this one live. But मैं एक चीज और खुल के पूछो, किसी दायरे. But मैं एक चीज, thank you. But मैं एक चीज से शुरुआत करना चाहता हूँ भाई. Again, मैं पहले ही आपको disclaimer देना चाहता हूँ. मैं ये बातें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ because I am talking to you today and हम सब आपको देख रहे हैं. मैं आपको पूछना चाहता हूँ, generally as somebody who is a viewer of yours, somebody जो आपके काम को देखता है on TV, YouTube, all the things that you do, even live shows or philanthropy work that you do, मैं पूछना चाहता हूँ, how has fame and public recognition उसने आपको चेंज कैसे नहीं किया? Because you know, when you see people grow from ground root to where you are right now, आप बहुत चेंज हो सकते हो, but you know, आपकी चाहे वो सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, चाहे वो आपका किसी भी चीज के लेकर स्टैंड लेना हो, चाहे वो आपका आपके गानों में लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना ना हो, ये छोटी छोटी चीजों से इंसान का पता चलता है हाउ देयर वैल्यूज हैव नॉट चेंज्ड डिस्पाइट ऑफ देयर सक्सेस. आपको कैसे नहीं चेंज किया? व्हाट हैव यू कैप्ट इन योर मनी? नहीं यार, मैं अगर देखो, मैं कर चुका अपनी गलती है अपने हिस्से की ना. मैंने भी ऑब्जेक्टिफाइंग गाने बनाए हैं,
मैंने एक जमाने में गंदे गाने भी बनाए क्योंकि उस टाइम पे जो दिमाग की सोच थी उसके हिसाब से. आई एम थिंकिंग लाइक राइट नाउ लाइक हाउ यू आर द आई एम टेलिंग यू हाउ हाउ दिस हैपेंड ओवर टाइम. तो उस जमाने में जब बनाए थे तब समझ नहीं थी, तब यही समझती कि किसी भी तरीके से लोगों के कानों तक पहुंचना है. यू आर डेस्परेट. ठीक है, तो मैं काफी बार यही सोचता हूँ कि काफी लोग की डेस्परेशन की लेवल अलग होती है. मैंने वो कर लिया, उसके बाद मुझे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये मैं ना दिल से नहीं कर रहा हूँ. आई एम डूइंग इट बिकॉज इट इज सेलिंग फॉर श्योर, पर इससे ना मुझे खुशी नहीं मिल रही है. दीज आर नॉट द सॉन्ग्स मैं बाद में जाके प्ले करके अपने बच्चों को भी सुना पाऊँ कि ये तुम्हारे पिताजी की लेगेसी है. इट्स अ बिगर थॉट बिहाइंड. उस वजह से मैंने चीजों को बदलना शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल ऑफ लेटली ये बात उठी थी कि वी इंडल्ज इन ड्रिंकिंग एंड एवरीथिंग, राइट? तो ऑफ कोर्स आई डू, बट आई नेवर पोस्टेड ऑनलाइन. मतलब मेरे किसी भी वीडियो में, किसी भी स्टोरी में कभी ये दिखा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं रहे हैं, पर ये है कि मैं उस उम्र में पहुंच चुका हूं जहां मैं चूज कर सकता हूं मुझे वो चीजें करनी है ना करनी है. आई एम सेंसिबल इनफ. आई डोंट वांट टू शो इट टू दिस 12 13 14 ईयर ओल्ड. उनको बोलो कि भाई देखो ये कर रहा है ना तो बंदा कूल है. मतलब ये चीज करना बहुत जरूरी है, ये सब एक आर्टिस्ट की जिंदगी का हिस्सा है. वो एक नकली नरेटिव मैं लोगों को देना नहीं चाहता. तो उस चीज की वजह से वो धीरे धीरे बदलाव आया. एंड सेकेंडली मैन, लाइक थोड़ा सा रिस्क लिया मैंने कि मैं ये सब नहीं करूंगा. डेफिनेटली व्यूज कम आते हैं पर इज्जत कम नहीं आती. मतलब मेरे व्यूज लोगों से कम होते हैं पर मेरे को उसी लेवल पे लोग प्यार और इज्जत देते हैं. और जब मैं कहते हैं ना मार्केट में क्या बात है यार, मार्केट में क्या इज्जत है, मार्केट में लोग उसी तरीके से इज्जत देते हैं. दैट चेंजेस एवरीथिंग फॉर मी. सो आई डोंट नीड टू सेल एनीथिंग. सर मेरे को लगता है कि द साइज ऑफ द ऑडियंस शायद इतना मेरे को लगता है मैटर नहीं करता, जितना वो जो ऑडियंस आपके साथ है वो आपको कितनी इज्जत देता है. मैं स्पेनिश गाने भी सुनता हूँ जिनके आर्टिस्टों का नाम मुझे पता है, लाइन एक समझ नहीं आ रही होती है, प्लेलिस्ट में रेगुलरली रोज बजते हैं. और उस गाने की इज्जत भी है पर मुझे नहीं पता वो इंसान कैसा है. ठीक है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ऐसे काफी लोगों ने बताया भी है, काफी लोगों से इस बारे में बात होती है, जैसे आपने सवाल पूछा है काफी लोग पूछते हैं. तो मेरा है ना एक पर्सनल कनेक्ट है लोगों के साथ. मैं शायद ये फील करता हूँ कि मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड दैट चेंजेस इट. बाकी यार मैं भी इंसान हूँ, छोटी मोटी इधर उधर गलतियां हो जाती है. बिल्कुल. एंड द फैक्ट कि आप लोग आप यू नो यू यू हैव द गम्शन टू एक्सेप्ट इट आल्सो, सर ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत लोग वो भी चीज एक्सेप्ट करते हैं. व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सॉन्ग मूव. सो वी हैव बीन लिसनिंग दिस सॉन्ग मूव. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन ऑल आवर स्टोरी मेंशन, बट हम आपके सभी गाने सुन रहे हैं, स्पेशली दिस मूव. आई नोटिस दिस वन थिंग अबाउट दिस सॉन्ग. सो सॉन्ग इज अमेजिंग, वी ऑल नो इट, एवरीबॉडी इज लविंग इट. द फैक्ट दैट व्हिच रियली हिट्स मी हार्ड इज यू आर फ्रॉम द हिप हॉप इंडस्ट्री. आपने एक फाइन बैलेंस ये भी क्रिएट कर लिया कि इट्स जस्ट नॉट समथिंग टू कि एक हिप हॉप सुनने म्यूजिक को सुनने वाला इंसान ही आपके गाने सुनेगा, बट आल्सो समबडी हु वुड रैंडमली लिसन टू सॉन्ग बी लाइक वो आई कैन डांस टू दिस सॉन्ग. इट्स लाइक जैसे हम मूवीज देखते हैं कि आठ मूवीज होती है एंड देयर आर देन बिग कमर्शियल हिट्स, यू हैव मिक्स्ड द टू एंड मेड इट. सो मेरे को तो आप इस सॉन्ग का एक तो बताइए, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट नंबर वन, एंड कूडोस टू यू फॉर अगेन ब्यूटिफाइंग वुमेन एंड फीमेल इन योर सॉन्ग. नॉट ऑब्जेक्टिव. Thanks a lot, man. वो तो there's another funny story behind it, मैं बताता हूँ इसके बाद में. देखो गाना जब बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने एल्बम के बारे में सोचा था. एल्बम मेरी ऐसे होने वाली थी कि आई लुक एट माई सेल्फ एज अ म्यूजिशियन. आई डोंट लाइक टू बी कि मतलब एक बॉक्स के अंदर मुझे डालो कि ये एक रैपर है. मैं म्यूजिक प्रोड्यूस भी करता हूँ, लिखता भी हूँ, तो काफी चीजों मतलब करने का मुझे शौक है. तो मैं वो सारे स्किल्स दिखाना चाहता हूँ. एंड द बॉटम लाइन इज आई स्टार्टेड ऑफ एज अ डांसर इन द इंडस्ट्री. Nobody knows, guys who are watching this. Raftaar has been a contestant of BID and now he is also the judge. I mean, look at the hustle, man. Look at the journey. बहुत शुक्रिया, man. मैं in fact मेरे लिए बहुत बड़ा दिन वो था. मैंने ईशा गुप्ता से बात करी थी क्योंकि लाइफ में पहली बार मैंने बैकग्राउंड डांसिंग करी थी उनकी वीडियो के पीछे. Okay. The song was तेरा दीदार हुआ from जन्नत 2 और वो वहाँ पे थी तो मेरी उनसे बात ही, उन्होंने मेरा गाना पोस्ट किया लेके कि आई लव दिस सॉन्ग और ऐसे ऐसे. तो मैंने तब जाकर उनको मैसेज करके बताया कि शायद आपको याद नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि दिस इज मी. शी कुडंट बिलीव इट. सो दैट इज फॉर मी यू नो लाइफ फुल सर्कल बहुत बड़ी आई है, बहुत बड़ी फुल सर्कल आई है. और वो इमोशन और वो फीलिंग बहुत अच्छा होता है. तो उसी मतलब वही चीज को निचोड़ रख के कि मैं एक डांसर पहले हूँ, मेरी वो कम्युनिटी है. आई बिलीव इन हैविंग फन, बट फन कैन ऑल्सो बी डन बिना किसी बहुत न्यूट्रल तरीके से. मतलब लड़की की आप तारीफ बहुत न्यूट्रल तरीके से भी कर सकते हो हर बार. हाँ मतलब सबका स्टाइल है, सबका स्टाइल है. कुछ को तारीफ सुनना ही वैसे पसंद है कि कम टू द पॉइंट,
कम टू द पॉइंट. कुछ लोगों को पहेलियां बुझाना पसंद है तो उनको वो वाली बातें पसंद आती है. तो ऐसा आई डोंट, मैं कभी ये नहीं कहता कि वो वाला स्टाइल अच्छा है, ये वाला अच्छा है. बेसिक बात ये कि सबका बताने का तरीका अलग होता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड लाइक ऑल ऑफ यू व्यूअर्स वाचिंग दिस राइट नाउ, मैं चाहता हूं कोई बताना, अगर किसी ने नहीं भी सुना, Raftaar has been a contestant at DIV and then he also went on to becoming a judge and he's also one of the prime members of Roadies, the show. Raftaar, my question to you is, when I look at you, I feel like कि जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि there will be one day when I go to my school and my college and the chief guest, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. That is happening to you already. So how is it being a TV reality show judge and how is it being a contestant on the same show back in the day? ये क्या difference है, ये role कैसे approach कर रहा है? How are you feeling? क्या मन में क्या feeling? Bro, सबसे पहली feeling तो मैं जो जानना चाहता ना वो ये था कि reality shows के अंदर सेटिंग होती है कि नहीं होती है. क्योंकि देखो मैं भी कंटेस्टेंट था. जब मैं कंटेस्टेंट था तो मैं यही सोचता था कि शायद मुझे इसलिए प्यार नहीं मिला क्योंकि उनका प्यार किसी और के साथ है. क्या ऐसा हो सकता है? क्या मतलब ये चल रहा है कि ये, हाँ. तो मैं सबसे पहले, मेरी ये गलत फहमी खराब हुई क्योंकि जब आप उस पोजीशन नहीं है, क्योंकि आप उस पोजीशन पे होते ना. फर्स्ट ऑफ ऑल रोडीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं. रोडीज में लोग कहते हैं कि बहुत अंदर सब कुछ है ना, स्क्रिप्टेड होता ही होता है. मेरे को आप बताओ कि कौन पैसे लेके हारना चाहेगा? कौन बोलेगा कि नेशनल टीवी पे मैं हारूंगा और तू जीत जा? बिकॉज वो हमारी, मेरे को लगता है रोडीज देखने शो में जहां पर देयर इज सो मच स्टंट, देयर इज सो मच फिजिकल एक्टिविटी, आप पैसे देके अपने फिजिकल एक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते? ड्रामे करो. किसी को भी रोडीज बोलता नहीं कि तुम गलत फॉर्म्स लिखो. कभी भी ये सब नहीं होता है. होता क्या है कि लोग स्क्रीन पे आने के लिए वो सब लिख देते हैं और वो ये सब लिख देते हैं, उन्हें स्क्रीन पे ले भी आते हैं. इसीलिए ही लेके आते हैं ताकि बाकी के लोग ऐसा ना लिखे. तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाँ, क्योंकि जिसने भी बकवास लिखी है वो कभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, वो टीवी पे जरूर आया. दैट इज वन पॉइंट नोबडी नोटिसेस दैट. कि आप जितने भी रोडीज के इंटरव्यूज देखते हो, पुराने वाले जिन बंदों के ऊपर कोई लड़ाई होती है या कुछ होता है, वो लोग शो पे नहीं होते. दे आर नॉट ऑन द जर्नी. एंड रोडीज में जर्नी बहुत मैटर करती है. तो ये कुछ चीजें मेरे ख्याल से लोग ध्यान नहीं देते. और डांस वाले शो में सिंपल सी बात है, देखो करीना बैठी है, बॉस्को बैठे हैं और ये दोनों मुझसे बड़े हैं. मैं तो इनसे साथ के साथ सीख रहा हूँ. पहली चीज तो मेरे लिए वैसी बहुत बड़ी बात है कि ये मेरे साथ क्या हो गया. मैं आज इस तरह से देख रहा हूँ. हाँ, मतलब जज ही नहीं यार, जितने भी वहां पे लोग हैं सारे आसपास, सबके साथ मैंने काम किया हुआ है. सब मेरे दोस्त है. किसी के साथ मैंने डीआईडी में डांस किया हुआ है, किसी ने मेरे को कोरियोग्राफ किया हुआ है. इट्स लाइक अ स्मॉल फ्रेटर्निटी. और इतना पॉजिटिव है ना कि मतलब वो लोग भी जब आते हैं ना तो वो ऐसे बोलते हैं कि मैं, मेरे को पता था तू तो करेगा ही. हालांकि वो भी यही लाइन में है, वो भी यही लाइन में है. पर एक वो नेचुरल है बिकॉज़ आई थिंक दे आर राइट. जब आपने भी बोला ना कि यू नो करीना जी आपके साथ बहुत तो नहीं है एंड यू सेड कि यू आर स्टिल लर्निंग, आई फील लाइक यू, आई मीन यू शुड आल्सो गिव क्रेडिट टू योरसेल्फ बिकॉज़ आपने बहुत लर्न किया एंड व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल रियलाइज बिकॉज़ यू नो क्यों आपको, व्हाई वुड समबडी पुट Raftaar ऑन द जज सीट? Because there is something, right? Why would people watch it? There is something, right? So, I mean, let's give you credit on that. But I think exactly, he was the contestant. So there has been a journey. Oh yes, you choreographed it. No, I was a contestant. So basically, पहले मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले मैंने DID में as a contestant part लिया. वहां से मैं टॉप 9 में या 8 में एलिमिनेट हो गया था. वाइल्ड कार्ड में एलिमिनेट हो गया. उसके बाद मैंने झलक किया, मेरा म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हो चुका था. तो Raftaar बनने की वजह से उस शो पे सेलिब्रिटीज को लेके आते हैं. सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी और मेरे साथ स्नेहा वगैरह थी. स्नेहा वॉज माई पार्टनर. और उसके जस्ट बाद आई गॉट रोडीज. रोडीज के दो सीजन करे, दूसरा सीजन किया, तब मेरे पास DID और हसल आया. तो बेसिकली दो लाइन, दो चीजें जिनसे बहुत ज्यादा प्यार था वो साइमल्टेनियसली मुझे एक साथ जज कर, विच फॉर मी वाज कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है. कि मतलब मैंने डांस से स्टार्ट किया, DID मिल गया और वहीं से स्टार्ट किया था. MTV पे मेरा पहला गाना हिट हुआ था, मतलब जिसकी वजह से Raftaar को पहचान मिली थी. वो स्वैग मेरा देसी गाना था और स्वैग मेरा देसी गाना था. और उसी चैनल ने जिसने पहली बार हिप हॉप को पुश करने की कोशिश करी स्पोकन वर्ड के थ्रू, उसी पे मैं जज बना. तो मैं जिस नजरिए से अपनी जर्नी को देखता हूँ ना यार, मेरे लिए एक कहानी है. मतलब मेरे को ये नहीं चाहिए कि चार बंदे मेरे को आके बोले भाई क्या कर दिया. मुझे ये है कि मैं जब 50-51 साल का हाथ में, हाँ, एक सिंगल मॉल्ट विस्की लेके बैठा हूँ ना, तो मैं सोचूंगा कि क्या क्या किया है मैंने.
क्या किया है, माय जर्नी, इसलिए अपने आप से खुश रहना बहुत जरूरी है। लोगों को तो वैसी कोई भी पसंद नहीं है भाई। लोगों की तो ओपिनियन सर डिफरेंट होते रहते हैं। आई वांट टू आस्क यू, नाउ दैट आपने अपने आपने सिर्फ डांस नहीं किया, आपने हिप हॉप म्यूजिक क्रिएट किया, आपने कमर्शियल गाने भी लिखे, आपने टीवी रियलिटी शो भी किया है, आपने अपने टैलेंट को एंटरटेनमेंट बिजनेस में अलग अलग जगह पे कितने तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट किया, बट अगर आप अपने आप को एक टैग देना चाहते भाई हूं तो मैं डांसर या हूं तो मैं म्यूजिशियन या हूं तो मैं रैपर, वट इज दैट वन हैट जो बहुत कहते हो ये तो सबसे पहले मैं ये हूँ कि बाहर के साथ ब्रो, जो मेरे लेबल का नाम है ना कलमकार, कलमकार यस, कलम यू डू नॉट नो दैट द लेबल कॉल्ड कलमकार, सो कॉल मी ग्रेट यू दैट द लेबल कॉल्ड कलमकार ही जस्ट पुशेस ऑल द पीपल विद रॉ टैलेंट सो दैट पीपल हु आर डूइंग दैट स्ट्रगल कैन बी बैक विद गुड सपोर्ट फ्रॉम हियर द पीपल, इट इज सुपर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो वो टैग जो वो जो प्रीफिक्स है ना, मैंने अपने लिए सोचा था कि मतलब यही सवाल मेरे जहन में था कि मैं कैसे अपने आप को डिफाइन करूंगा, बिकॉज I am not just an artist. I am an artist who likes to do a lot of art. मतलब सिर्फ एक जोन नहीं है मेरा, मेरे को बार बार अच्छा कुछ क्रिएट, basically I'm a creative person. So कलमकार was the first thought that came to my head. So I would like to put my. So you are a kalamkar. You like your creativity. I am an artist who writes as well. That is amazing. He's a poet. So yeah, kalamkar. I see कि आप अपने Instagram पर क्योंकि आप follow बिना किसी प्रॉफिट के मोटिव से, बिना किसी फायदे के मोटिव से या कोई कमर्शियल फायदे के मोटिव से कितनी बार आप बाकी लोगों को प्रमोट करते हो, उन लोगों को कुछ करते हो, लाइक आपने कितनी बार ऐसा किया कि आपको कितनी पसंद आया, आप अपने सोशल मीडिया पर बता रहे थे कि भाई वो वॉट दिस पर्सन, सपोर्ट दिस पर्सन, व्हाई व्हाई नोबडी पेइंग यू टू डू इट, व्हाई डू यू डू इट, बिकॉज़ नोबडी डिड इट व्हेन आई नीडेड इट ब्रो, हमारी बारे में किसी ने नहीं किया, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर, बस यही क्योंकि हमारी बारे में किसी ने नहीं किया इसलिए बस मतलब इतना थॉट ही नहीं है इसके पीछे यार, अच्छा लगता है डाल देता हूँ, पैसे मेरे लग नहीं रहे तो बट रफ्तार मतलब लाइक इज इट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस क्योंकि आपको लगता है कि शायद जिस टाइम पर शायद मुझे एक छोटे से पुश की जरूरत थी वो मुझे नहीं मिला तो आई वांट टू डू दैट यार, वो भी है पर इतना थॉट ही नहीं है इसके पीछे, मतलब अगर मैं बोलूं कि मैंने इतना सोचा ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे नेचुरली अच्छा लगता है मैं डाल देता हूँ। और सेकेंडली ब्रो देखो मोस्टली लोगों को दिक्कत क्या होती है, वो सोचते हैं कि हमें अपना कंपटीशन खड़ा नहीं करना, बिल्कुल, बट लेट मी टेल यू समथिंग ब्रो, देयर इज नो ग्रोथ विदाउट कंपटीशन, मतलब अगर आपको सामने कोई चैलेंज नहीं मिलेगा ना आप खुद ग्रो नहीं कर पाओगे, मुझको कब तक एबीसीडी पे रहना है भाई, मेरे को जाना है अल्फा बीटा गामा थीटा मतलब आप समझ रहे हो ना, जब तक छोटे डाइसेक्शन नहीं होंगे तब तक बड़े ऑपरेशन नहीं होंगे, तो बस जरूरी है। और सुनने को भी मिलता है कि लोग कितनी जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि दिस रेस Everybody is running really fast. तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, it is not the survival of the fittest anymore, it is the survival of the quickest. क्योंकि अच्छे कलाकार दबके रह जाते हैं, ऊपर वो आते हैं जो जल्दी कर देते हैं, क्योंकि फिर वो उनकी चीज़ बन जाती है. So that is why it's really fast. Yeah. Raftaar, मैंने recently news में देखा कि you were also involved क्योंकि आपने अपना CA और अपना opinion दिया. What do you finally have to say about it? ब्रदर देखो मुझको कोई एतराज नहीं है, जितने मर्जी लोगों को इंडिया में लाके रखो, बिल्कुल उनका घर है उनकी जमीन है, पर यहाँ जो ऑलरेडी है जिनके बाप दादा जा चुके हैं या वो है वजह से वो यहाँ पे, तो उनके ऊपर फिर वो एक प्रेशर डालना वो भी एक सिंगल कम्युनिटी को थोड़ा अजीब हो जाता है, ठीक है, उससे प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि जो एक दो तीन साल पांच छह साल के जो यंग बच्चे हैं जिनके दिमाग अभी इवॉल्व हो रहा है ना के साथ बड़े होते हैं कि भाई हमें उस जगह नफरत ही करनी है और उस जगह भी यही होता है कि हमें इस तरफ नफरत ही करनी है, तो बेस्ट बात यही रही, मैं देखो मैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई सीए लाओ एनआरसी लाओ लाओ मत लाओ, मेरे को सिर्फ पड़ता है कि इंसानियत के नाते सब एक साथ भाई बन के रहना सीख लो, कुछ नहीं जाएगा मेरा कोई हमने यार बचपन में पहली चीज यही सीखी थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, हमने ये बचपन में सीखा था, मतलब दिस वाज आवर लर्निंग, अब वो अचानक से बड़े होकर सोच दूं, सी आई मीन बुक्स की तो सिंपल सी बात है, बुक में आप कुछ भी बदल दोगे वही इतिहास बन जाएगा, आपका दिल आपकी इंसानियत क्या कहती है यार, अगर एक बाप का बदला फिर बेटे का बदला फिर बेटे का बदला बेटा लेगा फिर उसका बेटा उसका बदला लेगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बदले ही है, और तो बदले है पर बदलाव नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल
you play with words and you leave people like ये क्या हो गया but sir on a lighter note आपका कुछ भी project successful होता है how does your family feel of course I know they feel proud क्या वो आपको कुछ feedback देते हैं आपके काम के बारे में यार सबसे पहले मैं घर पे ही सुनाता हूँ सबसे पहले मैं मम्मी को सुनाता हूँ ये पता ये अजीब सा एक नेचुरल सा रिवाज बन गया है मुझे पता भी नहीं होता मैं एक गाना बना देता हूँ मम्मी को बोलता हूँ मम्मा जरा आना फिर मम्मी बैठ के सुनती है हाँ और एक तो मैं हिंदी में रैप करता हूँ और बहुत तेज तेज मम्मी का लिल हिंदी इज प्रॉब्लम बिकॉज साउथ इंडियन पर दिल्ली रह के हिंदी आती है पर इतनी तेज 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 कई शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्लाई ओवर रहते तो वो बैठ के बोलती है बेटे ऐसे क्यों बोला ये क्या बोला तो दैट इज सो मच फन फॉर मी बिकॉज My whole journey started like that, bro. मैं Eminem के गाने सुनता था, Game के गाने सुनता था, तो मम्मी आगे पीछे से पूछती थी, ये क्या कह रहा है? इसने अभी शायद fuck बोला, इसने अभी शायद कोई गाली दी है, तो मैं मम्मी को मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मम्मा वो एक्चुअली मैं समझाना ये चाहता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन और yes. मतलब वो मम्मी की क्यूरियोसिटी के साथ साथ ही मैं आर्टिस्ट बनाऊ तो आज भी वो क्यूरियस है और मैं भी वेरी नाइस एंड You know, you just did this move song. When is the album coming? Can you tell us something about that? Because a lot of the questions in the chat are like, "Okay, album kab aa rahi hai? Album late to nahi ho rahi hai?" नहीं नहीं एल्बम देखो लेट का तो सीन ये है कि हम मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा माहौल हो तब मैं गाने निकाल दूँ ताकि लोग एक अच्छे मूड से ले पाए अभी क्या है कि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए पर एंटरटेनमेंट इज विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर कि आप फन कर रहे हो पर वो फन ना उस कैसे बताऊं यू यू आर ट्रैप्ड मैं समझ सकता हूं मतलब आप बेसिकली दे रहे हो अभी तो आप कुछ भी कंटेंट देख रहे हो आप चेरिश नहीं कर रहे हो बड़ा चेरिश इट इज अ या एग्जैक्टली ये आपका सर्वाइवल किट हो गया कि आपको पैदा रहने के लिए टॉप रेमन भी खा सकते हो आप पर यू आर नॉट रिलिशिंग इट यस यस और मैंने बहुत ये वाली जो एल्बम मैंने से बनाई दिस मैंने इसमें मैंने डाली हो जैसे कि तो अच्छी तक पीछे हां मतलब ये सिर्फ एल्बम चलाने के लिए नहीं बनाई है ये एल्बम लोगों के दिलों में उतरने के लिए बनाई है मतलब यही एल्बम ये बताने के लिए बनाई है कि रफ्तार इज नॉट जस्ट यू नो एक जगह पे नहीं रुका हुआ है क्या क्या चीजें कर सकता है वो सब दिखाने के लिए बनाई है बस इसलिए क्योंकि काफी वीडियोस बनाई है काफी टाइम मिक्स मास्टर पे दिया है काफी साउंड की क्वालिटी पे ध्यान दिया है कि मतलब पहले क्या होता था कि हाँ ये साउंड अच्छी लग रही है ये लूप अच्छी लग रही है किक की साउंड अच्छी लग रही है कुछ नहीं इस बार एक एक चीज टून कर रही है तो मतलब यू अंडरस्टैंड तो जैसी मुझे क्लियर पिक्चर आगे से मिलेगी मैं एल्बम दे चुका हूँ मैं एक गाना और बना रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव अ बोनस ट्रैक टू पीपल ये समय भी ऐसा आ गया और वेट भी उन्होंने इतना किया तो एक और बनता है तो वो भी मैं दे दूंगा तो बस यही है कि व्हेनेवर द कंपनी वांट्स टू रिलीज इट विल बी आउट मैन यू नो देयर इज अ कमेंट इन द चैट Somebody says, Raftaar bhaiya, I am 15 years old and I am a singer and lyricist and I want to work with you. I need a chance. And ek kisi aur bachche ne likha tha ki what is your tip to young lyricist? So aap kya kehna chahoge? Somebody wants to write like you do. They want to make it big. What is your tip for those youngsters? Like it's a 15 year old kid who looks up to you. What would you say? Bro, keep writing. There is no other way. Ye jaise aap आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आप ऐसे शब्द को बोल देते हो कि फिर हम सोचते रह जाते बोला वो अब नेचुरल हो गया मेरे लिए क्योंकि वो एक ब्रेन का ना एक्सरसाइज हो गया है इतना लिख लिख के इतना चीजों को सोच सोच के अब नॉर्मल तरीके से बात ही करना नहीं आता है वो एक ना शायराना लहजा आ जाता है तो वो शायराना लहजा है ना वो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा कि आप कोई भी आप बात सुनोगे उसके अंदर आपको एक राइम दिखेगी उसके अंदर आपको एक बात दिखेगी और स्टोरी राइटर सबसे बड़ा बढ़िया कौन होता है पता है जो एक पोएट वो बढ़िया होता है जो एक लाइन से एक पूरी कहानी बता दे कहानी बता दे हाँ एक कहानी के लिए बहुत सारी लाइनें ना लिखे बस एक लाइन से एक कहानी बता दे Raftaar bhai there is another comment which says एल्बम में कितने गाने हैं can you say that can you tell us right now एल्बम में 16 गाने हैं भाई क्योंकि मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे 16 नवंबर को आता है बट आई एम मेकिंग इट 17 ओके शगुन का एक्सपर्ट Plus one is a bonus. Bonus. Yes. People who have trusted and waited for me and loved me, man. So, yeah. Raftaar bhai, so many people look up to you. Who do you look up to? Aapko log itna pasand karte hain, especially young boys and girls who are into hip-hop, who actually idolize you the way you dress up, the way you act. Who do you look up to? Aapko kaun inspire karta hai? ज़्यादातर तो Instagram ही inspire करता है. बहुत सारे लोग दिख जाते हैं. Honestly बताऊँ, but It all comes down to कि आप
किसी चीज को पहन के कितना कंफर्टेबल हो, क्योंकि वो जो आप ऑनलाइन देख रहे हो और आपको पता है कि उसमें बहुत बढ़िया लग रहा है. देखो एक बात है, अगर आपको जारा की जैकेट लेनी है या बेशक एलवी की जैकेट लेनी है या आपको कितने ही बड़े ब्रांड की जैकेट लेनी है, ठीक है, कुछ भी लेना है आपको, वो आपके पास है तो वो दूसरे के पास भी होगी, हो सकता है. इसमें कुछ यूनिक नहीं है, बस फर्क ये है कि वाओ इसने एलवी पहना हुआ है. एक लिमिट पे जाके ये वाली बात हो जाती है. बट देयर आर सम पीपल जो जिनको देख के ना ब्रांड के बारे में सोचते नहीं हो, वो कुछ भी पहनते ना अच्छा लगता है. जैसे जब मैं डांस करता था, मेरे आसपास इतने लोग होते थे जो निकर्स में आते थे, ठीक है, शॉर्ट्स में आते थे, शॉर्ट्स के नीचे जूते मैं पहन नहीं सकता, गोल गोल सा एक अंडा सा बच्चा हुआ करता था. तो यू गेट इट, कि मतलब आप अगर अंदर से फील कर रहे हो ना कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है और मैं इसमें अच्छा लगूंगा, तो यही मेरा है फैशन इंस्पिरेशन. उसके अलावा म्यूजिक का क्या है, अब मैं बहुत अलग अलग टाइप का म्यूजिक सुनता हूँ. अब मैं सिर्फ एक बंदे को कॉन्स्टेंटली नहीं सुनता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मैं किसी का स्टाइल इतना ढाप लूं, क्योंकि सुन सुन के ऐसा आप लिखने बैठते हो ना, आपके एक अंदर से इच्छा आने लग जाती है कि यार मेरे को ऐसा एक गाना बनाना है, ये वाला गाना काश. एंड देर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स इन द वर्ल्ड. आप कभी किसी सिंगर या आर्टिस्ट से बात पूछना और एक्टर से पूछना कि वो कौन सी मूवी है जो आप चाहते थे कि शायद आप उसमें होते, बहुत लोग आंसर देते हैं, राइट. तो वैसे ही काफी ऐसे गाने थे जिनके लगता है यार ये काश मैंने बनाया था. तो आप वो नहीं बना सकते पर उसके आसपास कुछ बनाने लग जाते हो, तो उससे क्या होता है ना कि आप किसी और के स्टाइल में गाने लग जाते हो. तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अब सबको सुनता हूँ. अभी मैं जैसे आपने बोला शेयर करता हूँ, जिनको शेयर करता हूँ उनको सुनता हूँ. तो ये है, पहले इनिशियली आई गॉट इन टू दिस बिकॉज ऑफ लिंकिन पार्क, टू बी रियली ऑनेस्ट. मैंने माइक शिनोडा को रैप करते हुए सुना था गाने में इन द एंड में. मैंने कहा यार ये गाने वाला सेक्शन तो ठीक है, ये वाला सेक्शन क्या है. उसी सीडी के अंदर एमिनम के गाने भी थे, फिर मैंने वो सुनना स्टार्ट किए. एंड देन आई रियलाइज कि यार मेरे को ना राइम करना बहुत पसंद है, ये भी तो वही कर रहे हैं. एंड वही गलतफहमी से मैंने भी रैप करना चालू कर दिया और धीरे धीरे इवॉल्व कर दिया. जब मैं आपको देखता हूँ ना, मैं ये चीज आपके बारे में सोचता हूँ. जब हम कभी भी लाइक इवन इन माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ कि रफ्तार सॉन्ग, जब हम रफ्तार वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में क्या रहता है, दिस पर्सन फील्स व्हाट ही फील्स. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप रफ्तार को भी रफ्तार में वो आंसर स्वीट ऑन योर फेस बट बिहाइंड यू इट्स लाइक इफ यू फील समथिंग, वेदर इट्स योर रियलिटी शो, वेदर इट्स योर ऑनलाइन प्रेजेंस, आप वो चीज आपको लगता है इसके रिप्रिकॉशन होते हैं, इसका नुकसान होता है एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि वोकल हूँ अपनी सभी ओपिनियन को लेकर. अभी जो हम बात कर रहे हैं उसी के नीचे कई लोगों ने वही वाली गाली दी है जो मैंने स्टेज पे बोली थी, कई लोगों ने वो याद दिलाने की कोशिश करी है. नहीं, मैं उसी वही बताने जा रहा हूँ कि काफी लोगों ने किया, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल मैन. औरत की इज्जत करना और गाली देने में बहुत फर्क है. अगर इसका मैं एक सिंपल सा जवाब देता हूँ, अगर मैं एक सड़क पे औरत को छेड़ते हुए देखूंगा तो शायद उस छेड़ने वाले को मैं जब मारूंगा ना तो मेरे मुंह से माँ बहन की ही गाली निकल रही होगी. इट इज दैट एंगर, एक्सप्रेस करना ही वैसे सीखा है. उससे जिसको बुरा लगा उसके लिए मैंने माफी मांग ली, पर फिर क्या होता है एक टाइम के बाद ना वो मेरे, मैं तो मीम्स को बहुत एंजॉय करता हूँ यार. ये मीम पेजेस वालों से मेरी बातचीत भी है. मैं तो उनपे जाके कई बार बोलता हूँ कि यार ये वाला बना दो, या कई बार मैं खुद बना के डाल देता हूँ कि इससे पहले तुम बनाओगे मैं ही बना के डाल देता हूँ. तो इट्स ऑल्सो फन मैन. देखो अगर आप अपने पे नहीं हंस सकते ना तो आपको हर बंदे की बात का बुरा लगेगा. लाइफ इज नॉट एज डिफिकल्ट एज पीपल थिंक इट इज, इट इज यू हु मेक्स इट डिफिकल्ट. बस you don't have to take it personally, you just have to enjoy. main mazey leta hu, dekho main unko, I'm giving them time. Wo baithte hain, they find a picture, they edit it, they talk about it, they write about it, they proof check it, then they first send it to their friends. doston ko pehle bhejte hain ki bhai ye badhiya banana hai, ye dal dun maza aayega, ye karke Raftaar ko tag kar dena, fir uske mere nahi kisi ko bhi, kisi ka bhi. तो उनके लिए भी इट इज एक चीज चल रहा है कि मतलब एक मकसद है, और जब तक लोगों के पास मकसद है ना कुछ करने का तब तक वो गलत चीजों की तरफ नहीं जाते. तो anybody who has a motive to be at home or be outside and work is welcome to make fun of me, make memes on me. बस काम करते रहो कुछ ना कुछ. What is your dream now? Like you wanted to be, like you didn't want to, but your life में आपके पास हो गया. You are the judge of reality show which you were a contestant of. You have made songs that people have liked. मैंने आपकी social nation पे पहली बार live performance देखी. इससे पहले मैंने आपका आपके भी live नहीं देखा था. And मेरे, I remember मेरी sister थी साथ में. We I had just moved to Mumbai तब. And मेरे दो तीन friends भी साथ में थे. उस time बारिश हो रही थी, कोई याद नहीं.
एंड हम लोग ना ऐसे खड़े हो गए बट वॉट नाउ वॉट मोर डू यू वॉन्ट टू डू. देखो मैं इस चीज के थ्रू ना, मैं ये जितने भी आपने नए आर्टिस्ट बताया ना, जो समबडी सेड पॉजिटिविटी का अवतार रफ्तार, आई लाइक दैट, आई लाइक इट. ओके कंटिन्यू. अरे शुक्रिया यार. देखा नहीं, तारीफ नहीं आ जाओ भाई. अच्छा okay, कंटिन्यू. इससे मैं वो जो आपने बोला था ना यंग आर्टिस्ट को, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं यही चीज समझा देता हूँ. देखो आपने सब कुछ किया स्टेज के लिए, ठीक है. आप सोच के चलते हो कि जैसे मेरा था कि एक दिन मैं स्टेज पे जाऊंगा और मैं ये कर दूंगा, उसके बाद मैं गाड़ी लूंगा, फिर मैं घर लूंगा, फिर मैं ये करूंगा. जब वो हो जाता है तो उसके बाद क्या. मोस्ट पीपल जस्ट ट्राई टू मेक इट. मैं उनको समझा देना चाहता हूँ कि एक गाना बनाना, दो गाना बनाना, वन हिट वंडर होना मुश्किल नहीं है. मुश्किल होता है अपने आप को वहां बरकरार सर्वाइव करना, सबसे मुश्किल है. तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, सबसे पहले आपने ये सीखना है कि आप लगातार अपने आप को एजुकेट करते रहो, चाहे यूट्यूब पे जाओ, उसके बाद आप म्यूजिक बनाना सीखो, प्लगइन्स कैसे चलते हैं, मोनो क्या होता है, स्टीरियो क्या होता है, ये सारी चीजें सीख लो, और गेन स्टेजिंग क्या होती है, आप मतलब खुद सीखो. आप सेल्फ सफिशिएंसी अगर सीख गए, सेल्फ आप निर्भर आत्मनिर्भर हो गए ना, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी आपका साथ छोड़ देगा आप कर सकते हो. आज भी यही करता हूं मैं. मेरा ड्रीम क्या है, जो चीज होती जा रही है, जो या तो अंकित प्लान करता है या मैं प्लान करता हूँ या आसपास कोई कलमकार में से बोल देते हैं हमें ऐसे कुछ करना चाहिए, एवरीबडी इज वेलकम. उस पर हम सोचते हैं, आगे चलते हैं. यही ड्रीम है ब्रो, सबका ड्रीम अपना ड्रीम. सिर्फ अपने आप को एजुकेट करते रहो, क्योंकि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक एंड गो समवेयर, गो टू अकेडमी, टेक अ शॉर्ट कोर्स ऑफ प्रॉपर मिक्सिंग एंड प्रोडक्शन. हालांकि मुझको आती है, पर मैं एक टेक्निकल तरीके से सीखना चाहता हूँ. अभी मैंने सब प्लान से सीखा है, टेक्निकल तरीके से सीखना चाहता हूँ. उसके बाद वापस आके प्रॉब्ली आई विल डू समथिंग एल्स, बट दैट इज द नेक्स्ट ड्रीम, टू बी एबल टू स्टडी. That is very important, because I think to all of you listening right now, so many people, and a lot of them are teenagers, people who are going to school and college. Do not ever stop being a student, because learning should never stop, and that's what we're trying. And that's a very big message for us. And I think, you know, before we wrap this, I want to ask you, apart from professionally, because आपने अपने opinion में life के बारे में भी बहुत बार दिया, आपने गानों के थ्रू भी दिया है, आपने spoken word से भी दिया है. Something you'd like to tell young audience about life that they should just, you know, think about, something that they should always keep in mind. मैं ना उपदेश जीने के देता नहीं हूँ. उसका एक रीजन है, क्योंकि सब अपनी कहानी खुद लिखते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो गलतियां करी है, उस गलतियों की वजह से मैं आज बनाऊ जो बनाऊ. लोगों ने जो गलतियां, क्योंकि जो सबसे समझदार इंसान वो होता है जो औरों की गलतियों से सीख जाता है. तो एवरी यंग पर्सन, द ओनली एडवाइस आई कैन गिव इज कि आप देखो आपसे बड़े ने क्या गलती करी है, उसका उसको क्या रिपरकशन मिला है, उससे सीखो. क्योंकि गलती करने वाले को देख के गलती करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ होता है. That is all you need to do. आप कहते हो ना कि आप करोगे तो ही पता चलेगा कि आपसे होगा कि नहीं होगा, आप करोगे तो ही पता चलेगा कि गलत है कि नहीं. कुछ चीजें औरों के करने की वजह से पता लग जाते हैं, तो आप उस पर ध्यान रखो कि क्या चीज किसी के लिए वर्क नहीं कर रही है. और क्या होता है, अगर आप एक्ट करते हो ना, एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी की एक्ट करते हो, तो आपको सारा दिन एक्ट करना है. जब तक आप आर्टिस्ट हो तब से आपको एक्ट करना है, जब तक आप आर्टिस्ट हो तब तक आपको एक्ट करना है. तो इट्स नॉट इजी. सो मेंटेन योर ओन पर्सनालिटी, जो हो खुल के बोलो. कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, पर एक टाइम के बाद लोगों को पता लग जाएगा कि यार ये ऐसा ही है. बिल्कुल एंड आई हैव टू अप्रिशिएट यू ऑन दिस, इवन दो दिस माइट सीम लाइक बिकॉज़ यू टेकिंग फ्रंट ऑफ मी, कि इवन दो यू आर दिस सेलिब्रिटी विद योर टीवी, वी सी यू ऑनलाइन, बट जब आपसे बात करते हैं, जब आपकी बात सुनते हैं, इट लुक्स लाइक यू आर दिस लाइक वन ऑफ अस. आई वांट टू आस्क यू, कोरोना वायरस के टाइम पर जब यू आर सिटिंग एट होम, हाउ मिडिल क्लास यू आर, आई हैव आस्क्ड यू रफ्तार भाई आल्सो यस्टरडे, बर्तन मांज रहे हो भाई, बर्तन मांजने पड़ रहे हैं. और कई बार ऐसा होता है कि यार खाना वाला छोड़ना, मैगी बना लेते हैं. बढ़िया चल रहा है. So you are like that, but we are on the same boat. हाँ मस्ती चल रही है, फुल पावर. कॉमिक्स हैरी पॉटर देख रहा हूँ मैं, आज छठे पार्ट पे हूँ, तो मैं भूल गया. I think we should all see. So बिल्कुल. I would request everyone watching this live right now, after this live end, go to his new song,
and put in the comment section saying I'm Raftaar bhai ki live pe aaya, and don't forget to share that song because I think it totally deserves it. It is an absolutely daily song, and do not forget to keep tweeting him and messaging him ki bhai album jaldi lekar aao. I mean, of course it will come soon once this all gets over, but I hope ki album bahut jaldi aaye. तैयार करके बैठा हूँ, मेरे पास रेडी है, मैं अकेले ही सुने जा रहा हूँ रोज. तुम मेरी भी सोचो. Somebody is asking you, are you in Delhi or are you in Mumbai? I'm in Bombay, bro. मैं मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि I came to a place और अचानक से लॉकडाउन हो गया तो मैं यहीं पे हूँ. And I had to stay. हाँ, और मैं अकेला हूँ और कोई भी नहीं है. तो I wish you were back in your home ताकि हम आपके डॉग से भी मिल पाते. यार मैं WhatsApp कॉल कर लेता हूँ, मैं वीडियो कॉल पे बात होती है. Thank you so much, Raftaar, for being on this live. And I hope and pray that the album, it kills all the records. It is off chart. भाई मेरे को zero number लगाने ही नहीं आ गए. दिलों में उतरना है. मतलब इसके बाद लोग पता लग जाएगा Raftaar क्या. That's about it, honestly. And that is why you are who you are. Big clap on that. बहुत बहुत शुक्रिया. God bless you with good health. And I hope that when this gets over, we get to see a brilliant album tonight. Thank you so much. मुझे बुलाने के लिए. देखो क्या होता है, हम लोगों को फालतू बात करने का मजा तो आता नहीं है. ये एक जरिया होता है कि मैं अपनी एल्बम भी प्रमोट कर लूं, आप तक बात भी हो जाए, वो लोग भी आपसे हमारी बात करा पाए, क्योंकि उनका काम वही है, वो आपसे लिंक करा के रहते हैं हम लोगों को. सो ऑल ऑफ यू गाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपका प्यार है तभी Raftaar है और तभी कलमकार है. सो प्लीज स्टे सेफ, क्योंकि अगर तुम नहीं बचोगे तो हमारे पास सुनाने के लिए कान नहीं बचेंगे, किसी को नहीं रहेगा. हमारे पास दर्शक बहुत जरूरी है, तो दर्शक को संभल के रहना. थैंक यू सो मच Raftaar, बहुत शुक्रिया. ख्याल रखना. गिव माय लव टू योर फैमिली मेंबर्स एंड योर टीम मेंबर्स आल्सो. यू टू एज़ वेल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.